वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम देखते हैं हमारा नया टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 क्लास 11 साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे हमारा चैप्टर जो कि है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, इसका एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2। पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो अब देखते हैं पार्ट 2। हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक, आप करेंगे अगला क्वेश्चन से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल एबीसी इफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 7π/36, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 120, फाइंड मेजर एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन। मतलब सी एंगल निकालना है डिग्री और रेडियन दोनों में, देन व्हाट टू डू। वी नो दैट पहले तो 1 डिग्री कितना होता है 1 रेडियन कितना होता है 180π/degree। इससे हम यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, तो हमको जो ए है यहाँ पे, जो ए है पहले ए को डिग्री में लेके आएंगे, पहले ये डिग्री में लेके आएंगे, ये डिग्री में है ऑलरेडी। फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180। इससे इनका एडिशन 180 है तीनों एंगल का, अगर वैसा हुआ तो एंगल सी हमको मिलेगा। ओके, दिस वॉज योर कॉन्सेप्ट। अभी मेजर ऑफ एंगल ए 7π/36 है, इसका मतलब 7π/36 इक्वल टू 180/π से मल्टीप्लाई, और 35 डिग्री हमको मिलता है। पाई एंड पाई कैंसिल, 36 और 180, 7π ये कैंसिल हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और बचता है 35 डिग्री। 36 कैंसिल होगा, इधर 5 बचेगा, 7 एंड 5 का मल्टीप्लीकेशन, ये पाई एंड पाई कैंसिल, 35 डिग्री। देन ऑल्सो मेजर ऑफ एंगल बी इज 120 डिग्री। ओके, नाउ वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री है। और एंड वैल्यूज डाल दो, 35 डिग्री, 120 डिग्री, एंगल सी पता नहीं, एंगल ए बी डाला हुआ है, सी पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 35 और 120 का एडिशन करो और ये 180 को उधर माइनस करो, ये जो 35 और 120 इनको ऐड करके वो साइड में लेके जाना है और माइनस करना है। 180 माइनस ये आया 155, यानी 25, यानी 25 डिग्री हुआ सी एंगल। तो अब 1 डिग्री कितना होता है π/180 रेडियन, इसका मतलब 25 डिग्री कितना होगा 25 × π/180 रेडियन, मतलब 5π/36 रेडियन। मिला एंगल सी बाय दिस वन, एक बार डिग्री में मिला इधर 25, एक बार रेडियन में मिला इधर 5π/36। ओके, हेंस मेजर एंगल C is equal to 25 degree, which is equal to 5π/36 radian. Now, we'll see next question. Question 6. Two angles of triangle are 5π/9 and 5π/18. Find the degree and radian measure of third angle. दोनों angle दिए, radian में दिए. Third angle निकाला, तो पहले क्या करना पड़ेगा? इनको पहले रेडियन में जो है उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमको वो 180 डिग्री में चाहिए ना, ऐसे भी कर सकते हैं। लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, एक ए बी सी ट्रायंगल पकड़ो, उसमें से वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट इज पाई, पाई रेडियन, यहाँ पे रेस टू सी लिखो पाई रेडियन का साइन, ये पाई रेडियन भी लिख सकते हैं 180 डिग्री को, ऐसे भी कर सकते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब पाई रेडियन। और डायरेक्टली पुट करो, 5π/9 प्लस 5π/18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई। अब लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिख दो कि एंगल ए इक्वल टू ये ले लो, एंगल बी इक्वल टू ये ले लो, यहाँ पे
ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आप डाल दो, ओके, सो दैट यू विल नॉट गेट एनी कंफ्यूजन. अब यहाँ का एडिशन मुझे मिला 15 पाई बाय 18. ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन का ये करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे मिलता है 15 पाई बाय 18. फिर मेजर ऑफ एंगल सी निकालना, ये जो 15 पाई बाय 18 है उधर माइनस करो, पाई माइनस 15 पाई बाय 18, वापस फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करो, यू विल गेट पाई बाय 6. मेजर ऑफ एंगल सी इज पाई बाय 6. पाई बाय 6 आपको पता है, मैंने पिछली बार आपको टेबल दिया था, उसमें पाई बाय 6 किसको था, 30 डिग्री का. इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल सी कौन हुआ, 30 डिग्री. वो आप देख लीजिए पिछला वीडियो, इसके एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 के पहले, आई थिंक बहुत पहले एक वीडियो डाला था मैंने, जिसमें डिग्री और रेडियन के एक टेबल था, उसमें 30, 60, 90, 45 जो जो स्टैंडर्ड एंगल्स है उनके डायरेक्ट रेडियन में बोला था. वो आपको याद रखना है, बार बार मल्टीप्लाई करते बैठना नहीं है. तो पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, ओके, एंड हेंस थर्ड एंगल इज 30 डिग्री. तो दिस वाज योर ट्रायंगल जो निकाला था. आप ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट इफ यू वॉन्ट. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द अक्यूट एंगल्स आर इन रेशियो 4:5. फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन. राइट एंगल ट्रायंगल इसका मतलब एक एंगल तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, बचे दो एंगल्स, बचे दो कौन, तो अक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ही होनी चाहिए ना, एक पूरा का पूरा 90 हो रहा है तो बाकी बचे दो 90 में थोड़ा थोड़ा बांट के लेंगे, तो वो कितना बचे, 4:5 के रेशियो में आ रहा है. तो फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन, देखते हैं. तो पहले क्या करो, एक्स लो, ये जो रेशियो है रेशियो को स्प्लिट करो, लेट एक्स बी कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो, ओके, and we know that sum of angles of triangle is 180 degree, okay, sum of angles of triangle is 180 degree, then 4x plus 5x plus 90 equal to 180 degree. अब ये 4x 5x कहाँ से आया, तो हमने जो ये first line बोली है, let x be common multiple of ratio 4:5, इससे क्या हुआ, ये 4 और 5 स्प्लिट होते हैं, फर्स्ट एंगल 4x, सेकेंड एंगल 5x, ये फर्स्ट एंगल 4x, यहाँ पे सेकेंड एंगल 5x, चाहिए तो ये जो लाइन है इसके नीचे आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंगल इक्वल टू 4x, सेकेंड एंगल इक्वल टू 5x, अगर नहीं चाहिए स्टेप्स आपको नहीं बढ़ाने हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं. अब 4x और 5x कितना हुआ, 9x, और 90 एज इट इज रखो, 9x plus 90, 180 के साथ माइनस करो, ये जो 90 है उसको 180 के साथ माइनस करो, तो वो हुआ 9x equal to 90 degree. अब 9x equal to 90 degree, ये 9x और 90 डिवाइड करो एक दूसरे को, you will get x equal to 10 degree. x हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है जब वो रेशियो को 4x 5x करते तब कौन से एंगल्स निकले. इसका मतलब हमको और 4x equal to 40 degree and 5x equal to 50 degree ये लाना होगा, and these are your two angles. तो hence now 1 degree कितना आता है, pi by 180 radian. तो 40 degree कितना आया, 14 into pi by 180 radian, यानी 2 pi by 9 radian, 40 और 180 डिवाइड करो 2 pi by 9 radian आता है. सेम वे 50 डिग्री का करो, 50 into pi by 180, यू विल गेट 50 pi, 5 pi by 18, एंड 90 डिग्री का स्टैंडर्ड एंगल है तो pi by 2 आता है, ये याद रखे आप, उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं किया तो भी याद रखने का वो टेबल की पाई बाय 2 रेडियन आता है. आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, उसमें है एंगल एंड मेजरमेंट का, जिसमें थ्योरम बताया हुआ है, डिग्री एंड रेडियन का थ्योरम है उसी वीडियो में है. तो उसके बाद हम देखते हैं ये जो कैलकुलेशन किया उसका सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन ऐसे आएगा कि हेंस द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर
40 डिग्री, 50 डिग्री या 90 डिग्री और इन रेडियन 2π/9, 5π/18 एंड π/2 रेडियन ये मिलेगी। और ये रेडियन के रेस टू सी लिखना भूलना मत। नाउ नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π/18 एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री। अब ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे क्योंकि क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स को जब एक साथ बम्बार्डिंग करते हैं हम क्लास 11th में तो जंबल हो जाता है। तो एक काम हम आज यही क्वेश्चन हम लास्ट रखेंगे, इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सम ऑफ टू एंगल्स तो 5π/5π रेडियन है, डिफरेंस 60 डिग्री है, दो एंगल कौन है डिग्री में निकालना है। तो पहले क्या करो, ये जो 5π रेडियन है उनको डिग्री में करो, हमको रेडियन नहीं चाहिए एंगल्स, डिग्री में ही चाहिए। तो ये जो 5π है उसको डिग्री में कर दो, 5π रेडियन इज इक्वल टू 5π × 180/π, ये आया मल्टीप्लाई करके π कैंसिल एंड ये आया 900। तो लेट डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल बी एक्स एंड वाई। अब हमको दो एंगल्स निकालने हैं तो दो वेरिएबल पकड़ने पड़ेंगे। अब दोनों का क्या बोला है, बाय कंडीशन की सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π रेडियन, तो ले लिया मैंने एक्स प्लस वाई 5π मतलब 900 ले लिया, यहाँ पे ए ले लिए इक्वेशन वन, सेव करके रखो इक्वेशन वन। नेक्स्ट दिस डिफरेंस 60 डिग्री, ठीक है, तो x माइनस वाई 60 डिग्री लिया, इसको भी क्वेश्चन इक्वेशन टू बोल के सेव करके रखा। नाउ एडिंग वन एंड टू, अब वन और टू को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो y y है प्लस y माइनस y, ये y y एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, और जब y ये वाला प्लस y और ये वाला माइनस y एक दूसरे को कैंसिल होंगे तो ये x और x में ही रहेगा जो भी ये साइड में एडिशन आएगी। तो इट मीन्स यू विल गेट लाइक दिस 2x इक्वल टू 960। अब ये 2x को सिंगल x में लाओ, कैसे 2 से डिवाइड करो लेफ्ट एंड राइट, यू विल गेट x इक्वल टू 480 डिग्री। अब x मिला हमको 480 डिग्री, इससे क्या करो हम पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट करो 480 डिग्री, तो 480 प्लस y इक्वल टू 900 हमको मिलता है। इसका मतलब जब हम माइनस करेंगे तो मैंने डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, टाइम वेस्ट होगा इसलिए आप जब y पुट करके देखिए तो 420 डिग्री ही आता है, 420 डिग्री आता है। वो कैसे थी जब x की वैल्यू है 480, अब यहाँ पे डाल दीजिए, बाद में 900 से माइनस कीजिए 420 डिग्री आता है। इट मीन्स हेंस डिग्री मेजर्स ऑफ टू एंगल्स आर 480 डिग्री एंड y इक्वल टू 420 डिग्री। ये y इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, बट 480 डिग्री एंड 420 डिग्री इतना ही लिख दीजिए, बस हो गया। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ये हमारा अभी तक का सेशन था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऑल द बेस्ट।